मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, कैसे आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग बुक पेंसिल इरेजर बाहर निकाल लीजिए बैग से। आप लोगों ने निकाल लिया? चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास कौन सा है? क्लास LKG है। और सब्जेक्ट मैथ्स है। तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीखा था लाइन ड्रॉ करके। चलिए आज भी आप लोगों को सब्ट्रैक्शन भी बुक में बनाना है। पेज नंबर 59 का कंप्लीट हो चुका था आप सभी बच्चों का, और आज आप लोग पेज नंबर 60 चैप्टर 39 पढ़ोगे, ठीक है? चैप्टर है पेज नंबर हो गया आपका 60। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, क्या पढ़ना आप लोगों को? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर का सब्सट्रैक्शन पढ़ना है। तो फिर आप लोगों को तो आता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग देख सकते हो पहले टेंस प्लेस पे आप लोगों को माइनस नहीं करना रहता था, बट आज आप लोगों को टेंस प्लेस पे भी माइनस करना है। तो चलिए मैं समझा देती हूँ कैसे बनाना है। देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन है, देखिए आपको कुछ क्वेश्चन मैंने दिया, इसे कैसे बनाएंगे? फाइव इस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे, और फोर टेंस प्लेस पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, कैसे बनाते थे पहले, यानी कि वंस के लिए आप लोग लाइन ड्रॉ करते थे और टेंस प्लेस पे सिर्फ एक ही डिजिट रहता था, तो सेम नंबर लिखते थे। और यहाँ देखिए क्या करना है, वी राइट यानी वी ड्रॉ लाइन फॉर वंस। ये अपर साइड के लिए करना है, तो अपर साइड पे कितना है, कौन सा डिजिट है? फाइव है। 1 2 3 4 5 5 अपर साइड डिजिट, सॉरी अपर साइड में जो डिजिट रहता है उतना लाइन हमें ड्रॉ करना रहता है वंस प्लेस के लिए। देखिए लाइन ड्रॉ हो गया, और नीचे वाला जो नीचे है लोअर साइड में, उसे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो 3 है, तो 3 लाइन कैंसिल करेंगे, तो 1 2 3 3 लाइन कैंसिल हो गए। रिमेनिंग को क्या करेंगे, यहाँ लिखना है 1 2 2 रिमेनिंग हो गए, यहाँ लिख लिया। वंस प्लेस का काम तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, टेंस प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन फॉर टेन, और किसके लिए सबसे पहले करेंगे, अपर डिजिट के लिए करेंगे। अपर डिजिट कौन सा है, फोर, तो फोर के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और लोअर डिजिट को कैंसिल करेंगे। तो कितना है, फोर है, तो 1 2 3 4 फोर लाइन तो ड्रॉ हो गया, और लोअर डिजिट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो लोअर डिजिट कितना है, 2, तो 1 2 2 लाइन कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 1 2 2 रिमेनिंग हो गया, तो 2 यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे करके आपको बुक में भी बनाना है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं बुक में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बुक में क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट बाय ड्राइंग लाइंस। क्वेश्चन क्या आपका, सब्ट्रैक्ट बाय ड्राइंग लाइंस।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 12। 5 किस प्लेस पे आप लोगों को पता है, ये राइट साइड वाला कौन सा प्लेस होता है? वंस प्लेस होता है, और इसके बिफोर यानी इससे पहले जो रहेगा वो कौन सा प्लेस होगा? टेंस प्लेस होगा। तो आप लोगों को पता ही, सबसे पहले वंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और लोअर डिजिट को कैंसिल करेंगे, तो अपर डिजिट कितना है? 5 है, तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? 5 लाइंस, तो 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ कर। लोअर डिजिट को क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं, कैंसिल करते हैं, कितना लोअर डिजिट? 2 है, तो 1 2 2 लाइन कैंसिल हो गए, रिमेनिंग कितने हैं? 1 2 3। इसे हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिख लेंगे। देन हम लोग टेंथ प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंथ प्लेस के अपर डिजिट के लिए, तो अपर डिजिट कितना है? 2 है, तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, और लोअर डिजिट को माइनस करेंगे तो 1 है, तो 1 लाइन कैंसिल कर लेंगे, रिमेनिंग है 1। यहाँ क्या लिख लेंगे? जो रिमेनिंग होगा उसे यहाँ नीचे लिखना है। 25 - 12 इज इक्वल टू 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 - 42। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस है, और 9 टेंस प्लेस है। सबसे पहले किसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे? वंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करना है। आप लोगों को बुक में बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं। कितना है अपर डिजिट? 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और लोअर डिजिट को कैंसिल करेंगे, तो देखिए लोअर डिजिट कितना है? 2, तो 1 2 2 लाइन कैंसिल हो गया, रिमेनिंग कितने लाइन्स है? 1 2 3 4 5 6 6 लाइन रिमेनिंग है, तो जो बचा हुआ होगा लाइन उसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। अब हम लोग टेंस प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, टेंस प्लेस का अपर डिजिट देखिए क्या है? 9 है, तो कितना लाइन ड्रॉ होगा? 9 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लोअर डिजिट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ कितना है? 4 है, तो 4 लाइन कैंसिल करेंगे, तो 1 2 3 4, 4 लाइन कैंसिल हो गया, रिमेनिंग लाइन्स को हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 5 लाइन्स रिमेनिंग है, जिसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। 98 - 42 इज इक्वल टू 56। चलिए पहले आप लोग दो लाइन, ये दोनों आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ बुक में आप लोग देख सकते हो 25 - 12 और ये 98 - 42। और आप लोग अच्छी राइटिंग में से क्लियर क्लियर ड्रॉ करेंगे। ओके, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइन ड्रॉ करना है और नीचे लिखना आंसर। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है 64 - 33। 4 किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, और 6 टेंस प्लेस पे है। तो सबसे पहले क्या करना है? वंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करना है और लोअर डिजिट को कैंसिल करना है। तो अपर डिजिट कितना है वंस प्लेस पे? 4 है, तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और लोअर डिजिट को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, 3 है, तो 3 लाइन कैंसिल करना, 1 2 3, 3 लाइन कैंसिल हो गए, रिमेनिंग लाइन्स कितने हैं? 1 लाइन रिमेनिंग है, जिसे हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे 1। देन हम लोग टेंथ प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अपर डिजिट कितना है? अपर मिस के बाद ऊपर वाला, तो ऊपर में कितना है? 6 है, तो 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन ड्रॉ हो गए, और लोअर डिजिट को कैंसिल करना है। लोअर डिजिट कितना है? 6 है, सॉरी 3 है, 1 2 3, 3 लाइन कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग लाइन्स को नीचे लिखना है यहाँ, तो 1 2 3, 3 लाइन्स रिमेनिंग है, जिसे हम लोग नीचे लिख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में से आपको 11 माइनस करना है। फोर किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। और फाइव किस प्लेस पे है? तो टेंस प्लेस पे है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, आप लोगों ने प्रीवियस बुक में पढ़ा था आप वंस प्लेस और टेंस प्लेस, तो वहीं से आप लोगों को पता है। वंस का अपर डिजिट कितना है? फोर है। क्या करेंगे? सबसे पहले फोर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो 1 2 3 4 ओके। और लोअर डिजिट को कैंसिल करना है, तो कितना नीचे? 1 है, तो 1 लाइन कैंसिल कर लेंगे। रिमेनिंग लाइंस को यहाँ नीचे लिखना है, तो 1 2 3 कितने लाइन रिमेनिंग रहेगा? तो 3 लाइंस, इसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। देन हम लोग टेंस प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए। तो टेंस प्लेस का अपर डिजिट कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5 और कैंसिल कितना करना है? 1। लोअर डिजिट को क्या करते हैं हम लोग? कैंसिल करते हैं। तो देखिए 1 लाइन कैंसिल हो गया, कितने बच गए? 1 2 3 4 फोर लाइंस बचे हुए, जिसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। 54 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आपको हो जाएगा? 43। चलिए ये दोनों भी आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रही हूँ। देखिए ये वाला 64 माइनस 33, ये यहाँ, और ये हो गया आपका सेकेंड लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन है 85 5 किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। और 8 टेंस प्लेस पे है। सबसे पहले क्या करेंगे? वंस के अपर डिजिट के लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5 फाइव लाइन ड्रॉ हो गया। लोअर डिजिट को कैंसिल करेंगे, लोअर कितना है? 2 है, तो 2 लाइंस कैंसिल कर लेंगे। रिमेनिंग कितने हैं? 1 2 3 3 रिमेनिंग बच गया है, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? टेंस प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करना होता है ना, तो अपर डिजिट कितना? 8 है, तो 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कैंसिल कितना करना है? 4। तो 4 लाइन क्या करेंगे? कैंसिल कर लेंगे। 1 2 3 4 रिमेनिंग कितने लाइंस बच गए? तो 1 2 3 4 4 लाइंस रिमेनिंग है, तो 4 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 85 माइनस 42 इज इक्वल टू 43। नेक्स्ट है 27 में से हमें 12 कैंसिल करना है। 7 किस प्लेस पे है? 7 का कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस है। और 2 का टेंस प्लेस है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है वंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ होता है, तो चलिए वंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रॉ हो गया। और लोअर डिजिट को कैंसिल करेंगे, तो 2 है, 1 2 रिमेनिंग कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 5 लाइंस रिमेनिंग है, इसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। देन हम लोग टेंस प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए यहाँ 2 है, तो 2 लाइंस ड्रॉ हो गए। और कितना कैंसिल करना है? 1 लाइन, तो 1 लाइन कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग कितने लाइंस बच गए? कितने रिमेनिंग है? 1 लाइन रिमेनिंग है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे। 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। यहाँ देखिए आप लोग, ये रहा 85 माइनस 42 और ये रहा 27 माइनस 12। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोगों का 2 लाइन हो चुका है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। ये लाइन और ये लाइन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड लाइन आप लोग होमवर्क में
बनाइएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसे मैच करवा दूंगी कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं। तो आप लोगों को समझ आ गया होमवर्क, ये दोनों लाइन आपका भी हो चुका है, नीचे वाला लाइन आपको घर से बनाना है, होमवर्क है। जैसे आप लोग पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग मैच कर लीजिए, और जिनसे नहीं बनेगा उन्हें मैं फिर से समझा दूंगी कैसे बनाना है। ओके, तो फिर आज की क्लास आपका यहीं तक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।